सब हनुमान जी के मंदिर जाते ही हैं। एंड नॉर्मली हमने देखा है हनुमान जी के मंदिर नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर के ही होते हैं, बट क्या आपने कभी काले हनुमान जी के बारे में सुना है? कहीं कहीं पर हनुमान जी काले रंग के भी होते हैं, जो विशेषता आपको शनि भगवान के प्रकोप से बचाते हैं। और ऐसा ही एक बहुत बहुत फेमस मंदिर है जयपुर में, काले हनुमान जी के मंदिर के नाम से ही फेमस है। और यही नहीं, जयपुर में जब भी कभी फिल्म स्टार आते हैं तो वो भी इस मंदिर में दर्शन के लिए जरूर पहुंचते हैं। तो चलिए, मैं भी आज आपको लेके चल रही हूँ मेरे साथ जयपुर के फेमस श्री काले हनुमान जी के मंदिर में। मेरे साथ काले हनुमान जी के दर्शन कीजिए, बट उससे पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जय बजरंग बली। फ्रेंड्स, गुलाबी नगरी की सिटी, जौहरी बाजार, बड़ी चौपट, छोटी चौपट, हवा महल को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे श्री काले हनुमान जी के मंदिर। आमतौर पर यहां पर बहुत भीड़ होती है, परंतु लकीली हमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं मिली। ये मंदिर बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा ही था, परंतु इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा थी और बहुत दूर दूर तक यह मंदिर फेमस है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी नारंगी रंग के ना होकर काले रंग के हैं। मैंने यहाँ के पंडित जी से यहाँ के हनुमान जी के काले होने का रहस्य पूछा, तो पंडित जी ने मुझे बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर शनि की साढ़े सती चल रही होती है या शनि की कुदृष्टि होती है, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ पे दर्शन करने से शनि की कृपा उन पर बन जाती है और शनिदेव उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। That's why even many Bollywood stars also visited this temple. मंदिर से प्रसाद और दर्शन करने के बाद हमने ई रिक्शा में कुछ सिटी घूमी और एक बहुत अच्छा सा कैफे एक्सप्लोर भी किया। मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिए कहां से आप ये सब व्यूज देख सकते हैं और फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। जस्ट स्टे ट्यून विद माई चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़।